हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो अभी तक की क्लास में हमने जो जो पढ़ा है एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, तो वर्क पावर एनर्जी में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ लिया, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी, वेरिएबल फोर्स भी करवा दिया मैंने आपको, क्लियर श्योर? हाँ सर, हाँ। काइनेटिक एनर्जी कराई, हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क एनर्जी थ्योरम करा दी, पावर करा दी, देन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो है मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, वन एंड टू डायमेंशन। तो हमने लास्ट क्लास में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। चलिए, तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमने वन डायमेंशन किया था बेटा, वन डायमेंशन किया था बट हमने इलास्टिक किया था, अब हम इन इलास्टिक करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, तो आज हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। चलिए, देखिए आपको बताया गया था कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई होता है, ई की वैल्यू क्या होती है? देखिए, ई की वैल्यू, यदि हम ई की वैल्यू पर विचार करें, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सो ये है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। हो सकता है इम्पोर्टेंट ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। डेफिनेशन, वी वन वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। यदि इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं, दिस इज़ वी टू माइनस यू वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, ठीक है? ऊपर का जो टर्म है बेटा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे के टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है बेटा? तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि E इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। ऊपर का जो टर्म कहलाता है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है बेटा? और जो नीचे का टर्म है बेटा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो रिलेशन होता है और ये जो रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्लियर है? अब ई की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग प्रकार का कोलिजन सेट होता है। अगर ई की वैल्यू वन है तो बेटा इसको बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या कहोगे श्योर? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जी हाँ बेटा, ई की वैल्यू वन के लिए ये कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में है तो इसे आप कहेंगे पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया? हाँ सर। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर ई की वैल्यू ज़ीरो है तो बेटा ये कहलाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? हाँ सर।
परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। चलिए समझिए परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, तो e की वैल्यू जीरो है इसमें और हमको यही केस करना है। यदि मैं देखूं e क्या था, e इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, ठीक है बेटा। तो याद करिए अगर आप e की वैल्यू वन डाल देते हैं तो केस बनेगा परफेक्टली इलास्टिक का, तो वन इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, दैट इज इक्वल्स टू यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन माइनस यू वन माइनस, ठीक है। और ये रिलेशन हम लोग का आया था परफेक्टली इलास्टिक में, याद है आपको? हाँ, इसी से सारे रिलेशन बनते थे, है ना? यस सर। ये पहला केस है। अब देखिए अगर e की वैल्यू आप जीरो ले लें, ठीक है ना, ये कौन सा केस था बेटा? परफेक्टली इलास्टिक का, ठीक है। वी टू इज इक्वल टू वी वन हो जाएगा इसके लिए। हाँ, तो अगर हम e इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, सो वी टू माइनस वी वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी वी वन इक्वल टू वी टू। क्लियर? मतलब टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करेंगे। क्लियर? टक्कर के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं सेम स्पीड से मूव करेंगे। आइए अब इस डेरिवेशन को हम अच्छे से करते हैं। ओके गाइस, सो वी आर रेडी टू डिराइव द सिचुएशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है शोर? Yes, अब देखिए परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का केस क्या है। आप मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 विद इनिशियल वेलोसिटी u1, और दूसरा ऑब्जेक्ट इज मास m2 विद वेलोसिटी u2। दोनों में टक्कर हुई और दोनों में टक्कर होने के बाद देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा और दोनों पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाएंगे और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v से मूव करेंगे। बताइए पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ सर। एक टेम्पो में पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, इतनी तेज गाड़ी थी कि आके टेम्पो में घुस गई। अब टेम्पो और गाड़ी साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। चलिए तो रूल क्या बनेगा बेटा, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है? हाँ सर। चलिए तो क्या रूल बनेगा, m1, कौन सा रूल की बात कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1, जी हाँ, बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्योंकि खुद ही टकराए हैं, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो मीन्स एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू कॉमन वेलोसिटी भी। क्लियर? सो क्या होगा अब ये m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन या चिपकने के बाद दोनों पार्टिकल कैसे मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है बेटा।
तो बच्चों ये हो गई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस। ओके गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब यहाँ पे दोनों एक्सेस इन्वॉल्व होंगे, एक्स भी और वाई भी। ठीक है श्योर? सो वी आर हियर टू डिस्कस इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इन टू डायमेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ ग्लांसिंग कोलिजन, सेकेंड हेड ऑन कोलिजन, थर्ड शो दैट टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। आपको शो करना है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के राइट एंगल में मूव करते हैं। ठीक है? कब? आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। चलिए तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसको ऐसा समझिए, आपने कभी कैरम खेला हो तो कैरम में जब आप कट मारते हैं, सीधे नहीं मारते हैं, कट मारते हैं, तो ये कोलिजन वहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए कैसे, आपने ये एक क्वाइन रखी हुई है, ठीक है बेटा? और इधर पे ये आपका इधर स्ट्राइकर है और यहाँ एक दूसरा क्वाइन रखा हुआ है, यस और नो? तो आप क्या करते हैं, इस लाइन पे हिट करते हैं, ठीक है? आप इस लाइन पे हिट करते हैं और आपके एक तरीके से दो स्लॉट हैं गोटी जाने के, एक ये है एक ये है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए जैसे ये गोटी इधर की ओर मूव करती है तो ये जाती है और यहाँ पर जा कर के एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ये कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को टच करती है, यस और नो? इसके टच करने से ये वाला कॉइन यहाँ चला जाता है और इसके पुश से ये अपना रास्ता बदल देता है, ये यहाँ चला जाता है। ओके? और आप कह देते हो कि हमारा क्वीन कवर हो गया। क्या हो गया? क्वीन कवर हो गया। खेलते ना कैरम में हम? तो बेटा यहाँ पे यही होने जा रहा है, ठीक है? ये ग्लांसिंग एंगल है बेटा, दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, ठीक है? और ये जो दोनों पार्टिकल हैं, दिस पार्टिकल इज एम वन एम टू। क्लियर है? चलिए आइए तो अब इनके लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे। ये देखिए, ये पहला हमारा बॉल था, बिलियर्ड्स में भी खेल सकते हैं इसको, बॉल एम वन हैविंग वेलोसिटी यू वन, बॉल एम टू हैविंग वेलोसिटी यू टू। इनिशियली एम टू इज एट रेस्ट। क्लियर? ठीक है, तो एम या मोशन में भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट में ही हो। तो यहाँ पर जैसे इसको स्ट्राइक किया तो M1 जो है थीटा एंगल लेते हुए अपनी स्पीड कितने में सेट कर लेगा, सपोज़ V1, और ये अपनी स्पीड कितने में सेट कर लेगा, सपोज़ V2। क्लियर? तो बच्चों हम टू डायमेंशन कोलिजन का डेरिवेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो समझिए, आपके पास ये पहली बॉल थी, दिस बॉल हैविंग वेलोसिटी m1, सॉरी मास m1, मूविंग विद ए स्पीड u1, ठीक है? इसका ये सेंटर ये है, तो सेंटर से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इस पे अटैक करना है इसको, तो इस तरीके से जाके कहीं अटैक करेगी ये। तो ये है m2, सपोज़ ये भी मूव कर रही है विद स्पीड u2, ठीक है? अब देखिए, मूव करने के बाद मान लीजिए बॉल m1 विद स्पीड v1 से यहाँ चली गई और बॉल m2 विद स्पीड v2 से
यहाँ चली गई। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। M1 का एंगल थीटा वन है और M2 बॉल का एंगल थीटा टू है। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम इम्पार्ट होगा, इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम इम्पार्ट होगा वो होगा एम वन वी वन, होगा कि नहीं होगा। मगर इसके दो कंपोनेंट हैं वी वन के, तो यहाँ जो मोमेंटम का कंपोनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा एम वन वी वन कॉस थीटा वन, क्लियर कि नॉट क्लियर। और यहाँ बन जाएगा एम वन वी वन साइन थीटा वन, एग्री बेटा। इधर पे क्या बन जाएगा बेटा, एम टू वी टू कॉस थीटा टू, बिकॉज ये एंगल अगर थीटा टू है तो ये भी थीटा टू होगा, ऊपर वाला थीटा वन होगा, यस और नो, क्योंकि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। और ये बन जाएगा एम टू वी टू साइन थीटा टू, एग्री बेटा। चलिए अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नाउ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो सर तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहा हूँ इन एक्स डायरेक्शन, वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो वी आर यूजिंग फर्स्ट इन एक्स डायरेक्शन। सो इफ आई यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, सो देखिए पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, क्लियर बेटा। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना है बेटा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, क्लियर। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, इस वाले का एम वन यू वन था, था इसका एम टू यू टू था, बोलो यस कि नो। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू, अब देखो एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम सेट हुआ है वो है एम वन वी वन कॉस थीटा वन एंड एम टू वी टू कॉस थीटा टू, है कि नहीं है। सो दिस विल बी एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू, क्लियर बेटा। ये हो गई पहली चीज, ठीक है भाई। चलिए ये हो गई पहली चीज, अब वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, इन वाई डायरेक्शन अब हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं कि वाई डायरेक्शन में क्या होगा। तो देखिए बेटा वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही थी, हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, क्लियर। नाउ अब वाई डायरेक्शन में दो हैं, एम वन वी वन साइन थीटा वन माइनस एम टू वी टू साइन थीटा टू, बेटा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो डाउनवर्ड है, ऊपर है ना बाकी, ये नीचे है, क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा है बेटा, हाँ वो तो सारे एक जैसे ही लगते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी हैं सब। एम वन वी वन साइन थीटा वन माइनस एम टू वी टू साइन थीटा टू। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, सो वी कैन राइट by using kinetic energy conservation, ठीक है शोर। so half m1 u1 square plus half m2 u2 square, देखिए kinetic energy
पहले बनेगी एम वन यू वन स्क्वायर, फिर एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। डन। सो ये हमारी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ हाफ हम कैंसिल कर सकते हैं। सो एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। डन। तो यहाँ सारे केस हमारे डेवलप हो चुके हैं इन इलास्टिक कोलिजन के, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस बनेंगे हमारे, जो टोटल तीन इक्वेशन बने हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर टू और ये तीसरा इक्वेशन थ्री, इन तीनों इक्वेशंस की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। जब प्रॉब्लम आएगी आपको तब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। डन बेटा। चलिए भाई देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्पेशल केस ये है कि जो M2 है वो एट रेस्ट है, मतलब यदि इसकी वेलोसिटी हमने U1 ली थी और इसकी वेलोसिटी U2 है, सो वी विल कंसिडर U2 एस ज़ीरो, ठीक है। U2 को बेटा हम ज़ीरो मान करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए तो पढ़ते हैं इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, तो m1 u1 cos थीटा 1, m2 सॉरी m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 sin थीटा 1, दो बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये देखिए v1 कंपोनेंट है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे मोमेंटम के, तो मोमेंटम भी इसके दो साइड में टूटेगा, x में y में, ठीक है। नाउ m2 v2 cos थीटा 2 ब्रेक होगा x एक्सिस के लॉन्ग, और m2 v2 sin थीटा 2 ब्रेक होगा नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। चलिए अब अप्लाइंग द कंजर्वेशन मोमेंटम, तो फर्स्ट पार्टिकल का m1 u1 हो जाएगा क्योंकि वो मूव कर रहा है, सेकेंड पार्टिकल का तो जीरो रहेगा क्योंकि u2 जीरो है कि नहीं बेटा। सो क्या बन जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, क्लियर। अब दूसरा देखिए y एक्सिस के लॉन्ग, बताइए बेटा y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, वेरी गुड। तो जीरो इक्वल टू m1 v1 sin theta 1 अपवर्ड जा रहा है माइनस m2 v2 sin theta 2 डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। हाँ ये सेम इक्वेशन है जो हमने भी बनाया आपके लिए। थर्ड काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है बेटा, थर्ड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा तो क्या रूल बनेगा बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब u2 तो है नहीं, बट यदि u2 होता तो u2 स्क्वायर भी आता, आता कि नहीं आता, इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अब आपको अननोन तो आपके वी वन वी टू होते हैं, तो बाकी चीज़ें आपको पता हैं न्यूमेरिकल में, तो आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हो, क्लियर। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट। चलिए इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा, ये बेटा स्पेशल केस बनाया इन लोगों ने U2 इक्वल टू जीरो के लिए। मैंने जो केस बनाया आपको उसमें U1 U2 मैंने दोनों लिया है, ये देखिए ये केस, ठीक है। इसमें मैंने U1 भी